नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लंका थाने की घोर लापरवाही सामने आई है, पर यह परिजन आत्मदाह करने को मजबूर। 65 दिनों से लापता युवक का पता लगाने में नाकाम साबित हुई लंका पुलिस। थाने का चक्कर लगा रहा परिवार सीएम योगी व प्रधानमंत्री तक लगा चुके हैं गुहार। वाराणसी जनपद का बहुचर्चित लंका थाना क्षेत्र से गायब मिर्जापुर जनपद के अदलहाट थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी मोबाइल व्यवसायी का पता लगाने में नाकाम रही वाराणसी पुलिस। परिजनों को बार बार थाने का चक्कर लगवा रही वाराणसी पुलिस, जिससे व्यथित होकर पिता ने आज शनिवार को पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी को मिलने आए। परिवारजनों ने कहा कि पूर्वी एडीजी से आपसे हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, मगर काफी लंबे समय बीतने के बाद ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि आज मेरे शिकायतों को सुनकर कार्रवाई कुछ नहीं होती तो हम यही आत्मदाह कर लेंगे। साथ ही परिजनों ने सीओ, थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदार इन तीनों लोगों की होगी। आरोप है कि अपहरण की घटना को पुलिस ने दबाव बनाकर गुमशुदगी लिखवाया, लेकिन थक हार चुकी पुलिस दिन बाद भी अभी तक क्राइम विभाग को फाइल सौंपने से कतरा रही। पुलिस वाराणसी के लंका थाने की, आपको बता दें कि अदलहाट थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी मुकेश मौर्या पुत्र कृष्णानंद मौर्या 17 मार्च को मोबाइल व संबंधित सामान के खरीद फरोख्त के लिए नित्य की भांति वह वाराणसी मंडी गया हुआ और कुछ सामान व ट्रांसपोर्ट से बुक कराने के बाद देर शाम अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से कुछ सामान लेकर घर के लिए वापस चला, किंतु घर नहीं पहुंचा, लौटा, जिससे परिजन इधर उधर रिश्तेदारी तथा मंडी के व्यवसायियों के यहाँ पूछताछ करने लगे तो पता चला कि मुकेश सामान खरीद कर घर के लिए चला गया। पिता कृष्णानंद उर्फ मैंगू ने वाराणसी के लंका थाने में अपने पुत्र के अपहरण की एक FIR दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन लंका थाना प्रभारी भरत भूषण तिवारी ने जबरन परिजनों पर दबाव बनाकर गुमशुदगी दर्ज कराया। परिजन लगातार थाने वासियों के ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन पुलिस परिजनों को गुमराह करती रही और अभी तक मामले का खुलासा करने में नाकाम रही। वहीं पुलिस से क्राइम विभाग को फाइल ही नहीं सौंपी। प्रजता कृष्ण चंद्र मौर्य ने बताया कि एक दिन पूर्व सीओ भेलूपुर ने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी फाइल को नहीं मांगेंगे हम क्राइम विभाग को जांच के लिए नहीं भेजेंगे। आखिर 65 दिन बाद भी पुलिस मामले की खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच विभाग को क्यों नहीं दे रही है? पिता ने पुलिस उप महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी को लिखे पत्र में सीओ भेलूपुर थाना प्रभारी लंका व चौकी इंचार्ज डाफी रमना की भूमिका संदिग्ध जाहिर की है और लिखा है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी इन तीनों की होगी। लंका में मिला था लोकेशन। अब सवाल यह उठता है कि मुकेश की बाइक इन चोरों के हाथ लगी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। 23 मार्च को मुकेश की पल्सर बाइक को बेचते हुए अदलाहट पुलिस ने मौपौनी बैरियार से दो युवकों को दबीज लिया था। उनसे हिरासत में लेकर वाराणसी लंका पुलिस को पूछताछ में पता हुआ कि इन लोगों को 18 मार्च को बाइक वाराणसी की हाईवे मार्ग के नीचे लौटू बीर बाबा सिंह को जाने वाले मार्ग पर सुबह मिला था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पिता कृष्णानंद उर्फ महंगू राम का आरोप है कि लंका पुलिस अभी तक हमें गुमराह करती रही है, मुझसे प्रेम प्रपंच का मामला बताकर पल्ला झाड़ती रही। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखना चाहती है, लेकिन अभी तक वाराणसी पुलिस के हाथ खाली हैं। माँ की आंखों में केवल आंसू ही हैं। पिता का सवाल और भाई का गुहार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के कानून व्यवस्था, इस तरह एक माँ अपने बेटे के कलेजे के टुकड़े को वाराणसी पुलिस कैसे ढूंढ निकालेगी और अपराधियों तक कब पहुंचेगी वाराणसी पुलिस, सबसे बड़ा सवाल। आप एक बार देख लीजिए कितना है टाइमिंग उसके साथ।
थाने के पास भी तो कैमरा लगा हुआ है, वहाँ भी बाइक नहीं चला रहा था ना, रोड खा रहा सब चौराहे पे लगा हुआ, थाने के बाहर लगा हुआ, पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए बिना अगल बगल दुकान में नहीं लगा हुआ क्या? मिलन जो होटल में थे सत्कार तो लगभग लास्ट होके साढ़े दस बजे वही लोकेशन बताओ कहाँ पे साढ़े दस बजे वो सत्कार के कौन है सत्कार होटल होटल भी और ढाबा भी दोनों अलग अलग होटल हाईवे पे अरे पूरी चौकिया तो कैमरा लगा है ना छोटी तो चौकिया तो लगा कैमरा है क्या वहाँ तो ना डाबी पूरी चौकिया तो कभी शिकार भी कर रहा है जब से एफआईआर न हो जब तक पुलिस वाले ने अच्छा तुझे चलिए पहले साइबर साइबर के लाइन पहले एफआईआर करिए साइबर के लाइन एफआईआर ठीक है उसके बाद वो उसको प्रिंट आउट करवा के एसपी के यहाँ चला जाए एसपी के यहाँ यहाँ सिटी एसपी के यहाँ चला जाए वहाँ पे एफआईआर दिया जाए ठीक है उसके बाद चौक थाने पर एफआईआर देने के बाद अब बनारस से किसलिए गए थे मोबाइल का सामान लेने के लिए गए थे उसी जगह से नहीं आए हम फोन करने पर कह रहे थे कि हम अभी आ रहे हैं मम्मी तब से गायब हो गया हमारे लड़का फोन नहीं स्विच ऑफ बता रहा इसीलिए हम घबराने लगे तब बेटा से अपन मोबाइल मांगने पर 59 दिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद सवेर भर सब खोजने बच्चा सब गए कोई नहीं मिला कहीं से भी उसके बाद फिर सब थाने पर अथवा भर हर भर कुछ नहीं थानेदार कही लग रोज हम आवत जात हई रोज आज अभी फोन करत ही तो कहत हूँ कि हम बुलावत हई अभी तक नहीं कोई कुछ कही ले थानेदार हम लोग के रात दिन दौड़ावत हूँ खाली पत्थर पर करेजा रख रख अपन पत्थर करेजे पर रख रख रात दिन दौड़ा था लोगन के कुछ नहीं पता चला था कि मतारी काकरे बदे आवत हो तन को माया दर्द कोई के नहीं हो कितने दिन हो गया 59 दिन हो गया क्या चाहती है हम अपन बच्चा चाहत हई और हम अपन बच्चा चाहते कि हम थानेदार को पकड़ के हमारे बच्चा के दे जौन भी अथवा कैले हो के सजा दिलवावल जा और कुछ नहीं चाहत हई ओके हमारा बच्चा हमारे घरे आ जा अदरहाट का रहने वाला हूँ अदरहाट में मेरी मोबाइल की दुकान है जी। मेरा लड़का मुकेश कुमार उम्र 27 साल उल्लो चौक में आया था मंडी में सामान खरीदने सामान खरीद कर पंगाल रोड कॉर्नर लंका से उसको 10 बजे रात का लोकेशन वीडियो कैमरे में मिली है जी। उसके बाद से गायब है 18
तारीख को जो है लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई जी। आज तक जब भी आया जाता है तब यही बताकर भेजा जाता है कि जब ये जांच हो रही है देख लिया जाएगा जी। कहीं बिहार लोकेशन बता रहे हैं तो कहीं जो है झारखंड लोकेशन बता रहे हैं। अभी आप कहाँ आए हैं और आप क्या मांगे? हम तो पुलिस उप महानिदेशक वाराणसी जोन के यहाँ आए हैं जी। हमारी मांगे ये हैं कि इनके जो है लड़की को बरामद किया जाए और मुलजिम को पकड़ करके जो है कार्रवाई किया जाए कठोर जी, ताकि मैं 29 तारीख को सीईओ से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्र भेज डाला जी। पुलिस उप महानिदेशक को भी सोरे पन्ने का मैंने पत्र भेजा जी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जी। अब बराबर यही कहा जाता है कि लड़का सुरक्षित है, मिल जाएगा जी। यही अगर आप लोगों की अगर जल्द से जल्द मांगे ना पूरी हुई तो आप लोग आगे क्या करने वाले? हम लोग यही आज मट्टी करके छिड़क कर मर जाएंगे यही जलकर हम लोग जी। जब लड़के नहीं रहेगा तो हम लोग रहकर क्या करेंगे? कमाने वाला ही नहीं है जी, तो हम लोग बच्चे रहकर क्या करेंगे? कौन आधार बनाकर जिएंगे? आप लोगों ने इसकी इसका तहरीर कब और कहाँ दिया है? हम तहरीर जो है लंका थाने में 18 तारीख को दिए हैं, उसके बाद 19 को SSP बनारस को दिए हैं और मिले भी उनसे, और उसके बाद जो है फिर 27 को उनके बंगले पर गए तो नहीं मिले तो उनके कार से मिला गया, उनको दिया गया। फिर जो है 29/4 को भी रेसी किया गया ठीक। बीच में हमारा परिवार उनके गया था जो है उनके कार्यालय पर, वहाँ मिलने नहीं दिया तो फिर उनके डाक में छोड़ा गया। धन्यवाद।